ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि रहने वाली है। सभी राशि वाले इस दिन विशेष ही भाग्यशाली हैं, लेकिन नौ राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं, साथ ही अपनी मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी यह मनोकामना पूरी हो जाए। अगर आपके अंदर सच्ची लग्न है, विश्वास है, भक्ति है, तो भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे, सभी राशि वालों के पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन होता है, ये बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन आप साधारण सा उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ग्रहण का इतना अच्छा योग बना हुआ है, ग्रहण की इतनी अच्छी स्थिति है, जो नौ राशि वालों के लिए विशेष ही लाभप्रद है। कन्या राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, ये तीन राशियां ऐसी हैं जिनके थोड़े से कम योग हैं, बाकी नौ राशियों के योग बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बाकी ये तीन राशियां जो मैंने बताई हैं, ये भी कोई कम नहीं है, इनका योग भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन उपाय आपको करना चाहिए, जिसके भी योग नहीं है उनके भी योग बन जाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन आप घर में लड्डू गोपाल जी ला करके रखें, सालग्राम जी ला करके रखें, और जिन भी दंपतियों को पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति में परेशानी आती है, तो लक्ष्मीपति नारायण भगवान की आराधना करें। माता लक्ष्मी का स्वतः ही आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, साथ ही पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आपको आवश्यकता है कि भगवान की आराधना करने की, आपको क्या करना है ध्यान से सुने। सर्वप्रथम भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में उनके सामने बैठ जाएं, हाथ में जल लेके संकल्प करें कि प्रभु, हमारी यह मनोकामना पूरी हो। उसके बाद में भगवान को तुलसी पत्र, मक्खन, मिश्री और केले का प्रसाद भोग अर्पण करें, साथ ही संतान गोपाल मंत्र का जाप भी शुरू कर दें। भगवान के सामने दीपक जलाएं, दीपक में दो लौंग डाल दें। भगवान के सामने आप जाप करते जाएं, एक कटोरी में थोड़े से चावल लेकर के भगवान के सामने रख दें, उसमें आप जो चावल है उसके अंदर एक गोमती चक्र आप डाल देंगे। उसके बाद में उनको एक लाल कपड़े में बांध देंगे, और जिन दंपत्ति को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वह अपने ऊपर से सात बार उसे उसार करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। एक नारियल ने और उस नारियल को घर के मेन दरवाजे से सात बार उसार करके बहते हुए जल में डाल आए। इससे आपके घर पर भी जो परेशानी होगी वो भी दूर होगी, आपके ऊपर कोई परेशानी होगी वो भी दूर होगी। पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें, रात के 12 बजे भगवान को दोबारा से पंचामृत से स्नान कराएं, उस पंचामृत को पान करें, पिए, साथ ही भगवान को भोग लगाएं और वह प्रसाद आप ग्रहण करें, गौ माता का पूजन करें, शीघ्र ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो विशेष ही शुभ योग है, आप ये उपाय जरूर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।